students, in the last video we did up to page number 45 of the chapter Tick Tick Tick. Okay, and today we are going to do page number 46 to 48. Let me first introduce you with the topic of the day. Today's topic is simply nothing but dates. आप कहेंगे मैम डेट्स हमें तो पता है कि डेट्स क्या होती हैं, बट आज पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द क्लियर कंसेप्ट ऑफ डेट. सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डेट टुडे. आज कौन सी डेट है. इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ डेट टुडे देन यू विल से मैम टुडे इज़ मंडे. बट व्हाट अबाउट द डेट, एक्चुअल डेट. सम विल से 20th July 2020 इज़ द डेट. सम विल से मैम 20, जस्ट 20. और सम विल से 20 July. ओके, सो थ्री आंसर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इफ आई आस्क्ड यू व्हाट इज डेट. तो अभी जो तीन तरह के आंसर्स आए हैं ये क्यों आए हैं. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन. कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे बीच, ठीक है, तो आज वो क्लियर हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले तो ये समझो कि डेट किन किन चीज़ों से बनी होती है. फर्स्ट इज डे, देन पुट अ डैश. डैश भी लगा सकते हो, स्लैश भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो. ये तीन चीज़ें यूज होती हैं अलग अलग करने के लिए, डे, मंथ और ईयर को. देन कम्स द मंथ, अगेन डैश और स्लैश और डॉट. देन कम्स द ईयर, दीज आर द थ्री थिंग्स विच मेक्स अप अ डेट, अ कंप्लीट डेट. जब तक ये तीन चीज़ें नहीं मिलती हैं तब तक डेट इनकम्प्लीट है. इफ़ यू सिंपली से द डे, इनकम्प्लीट. डे और मंथ, इनकम्प्लीट. डे प्लस मंथ प्लस ईयर, कम्प्लीट. ठीक है, तो आज का जो डे है मंडे नहीं, विच डे ऑफ द मंथ, जुलाई का कौन से नंबर का डे है आज, तो नंबर 20. ओके, मंथ, विच मंथ, जुलाई मंथ. एंड जुलाई कम्स इन ऑन विच नंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. इट मीन्स 7th नंबर, 07. एंड विच ईयर, डैट इज 2020. ओके, सो इफ़ यू राइट लाइक दिस और इफ़ यू से लाइक दिस देन योर डेट इज कम्प्लीट, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट. ओके, सो दिस इज टू राइट अ डेट इन नंबर्स. When somebody asks you to write date in numbers or in figures, then this is the way. But what if somebody asks you to write the date in words? जैसे आपको numbers जब हमें पढ़ाते हैं तो उसमें आपको numbers में लिखना भी बताते हैं, words में लिखना बताते हैं. उसी तरह जो date है उसको numbers में लिखते हैं in this way. And if it comes to write in words, then how will you write? You can simply write 20. 20 को आप words में लिखिए. Then 7th month of the year, that is July. And what is the year 2020? Isko you can simply write 2020 or you can write in expanded form also. Agar aap isko sirf 2020 bhi likh denge, then it's also okay. Theek hai? Isko aap complete bhi likh sakte ho, like 2020. This is the way to write a date in words. Okay, day, month and year. जब आप कंप्यूटर वगैरह आज के बहुत यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आप देखते भी होंगे जो डेट के फॉर्मेट्स होते हैं वो लिखे होते हैं DD, MM and YYYY. बिकॉज जो ईयर होता है वो 4 डिजिट्स में होता है, ठीक है. तो दिस फॉर्मेट हैपन्स. और समटाइम्स क्या होता है, फॉर्मेट थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है. लाइक MM पहले आएगा, MM, DD एंड Y. ओके, सो दिस इज द कम्प्लीट फॉर्मेट ऑफ अ डेट. ये पर्टिकुलर डेट क्या होती है इस वे में लिखी जाती है. डेट को कुछ क्वेश्चन आएंगे लाइक टू राइट डेट इन नंबर. वर्ड्स में दिया होगा आपको नंबर्स में लिखना है. जैसे अगर वर्ड्स में दिया हो तो नंबर में लिख दिया, ठीक है. नंबर्स में दिया हो तो वर्ड्स में लिख दिया. वन क्वेश्चन विल बी फॉर्म लाइक दिस. नाउ मूव टू द सेकेंड कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक is quite related to the first one, that is the date. Second is the duration. जैसे हमने वो period of time पढ़ा था, time period निकालने का, वैसे ही वो time period हमने निकाला था within the clock. जैसे clock में timings दिए होते हैं hours and minutes,
उसकी हमें ड्यूरेशन निकालना था. बट टुडे जो हम ड्यूरेशन निकालेंगे डैट इज रिलेटेड टू द डेट्स. लाइक आपकी जो समर वेकेशंस होती हैं, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपके जो प्रीवियस सेशन की डायरी होगी उसमें आपको समर वेकेशन की डेट, ऑटम ब्रेक की डेट, विंटर ब्रेक की डेट, ये तीनों नोट करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो समर वेकेशंस हैं वो स्टार्ट हुई 12th मई से 2019, ओके 12th मई 2019 से स्टार्ट हुई और उसके बाद वो एंड हुई है. इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समर ब्रेक मत मानो इनको, कोई भी कोई ब्रेक मान लो, ठीक है, कि ये 12th मई से स्टार्ट हुई और इट एंड्स अप टू 19th मई, ओके. देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड कि जो 12th मई से 19th मई के बीच में हाउ मेनी डेज, कितने डेज हुए, कितने डेज का ब्रेक हुआ, ठीक है. तो आपको क्या करना है 19th, तो आप सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि 12 में से 19 में तक काउंट करना स्टार्ट कर दिया. 12 से स्टार्ट हुई तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. देन यू विल से मैम 8 डेज, ठीक है. तो दिस इज द वे टू काउंट द डेज. और इसके बाद इसके अलावा भी क्या हो सकता है, आपका देखो 19 मई तक आपकी हॉलीडेज थी, ठीक है, यानी 11 मई तक आप स्कूल गए हैं, ठीक है ना, 11 मई तक गए हो ना, 12 से तो स्टार्ट हो गई ब्रेक, 19 तक थी, तो सबसे पहले तो फाइनल डेट लिखनी होती है, 19 लिख दिया जब तक हमारी हॉलीडेज थी. और कब से स्टार्ट हुई है उस वाली डेट को नहीं लिखोगे, उससे एक दिन पहले वाली डेट, या 11 तक आप स्कूल गए तो 11 को आपने माइनस कर दिया इसमें से, कितना आ गया 8, ठीक है, क्योंकि 11 तक आप स्कूल गए हो. अगर यहाँ 13 से स्टार्ट होता तो कौन सी डेट आती माइनस करने के लिए, एक दिन पहले की, 13 से एक दिन पहले यानी 12, तब होता 7 डेज, ठीक है. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट. अब देखो आप क्या करना है क्वेश्चन में, आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, उसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि आपकी समर वेकेशंस कौन सी डेट से, कौन सी डेट से स्टार्ट हुई, कौन सी डेट से लेकर कब तक रही, और ड्यूरेशन कितने डेज की थी, ठीक है. उसके बाद आपकी जो ऑटम ब्रेक होती है, देन आपकी जो विंटर ब्रेक होती है, कब से कब तक और ड्यूरेशन कितने दिन की चली हो, ठीक है. तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी बुक में पेज नंबर 47 पे लिखा है, ऑन 15th मई 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाय बटर. ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट. आपको कितनी बार बेटा न्यूज़ चैनल्स में या टीवी के एडवर्टीजमेंट्स में बताया जाता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वेन एवर यू परचेज अ प्रोडक्ट जस्ट सिंपली चेक द एक्सपायरी डेट और द डेट अप टू विच द प्रोडक्ट इज सेफ. तो एक्सपायरी डेट जो बार 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 बोलते हैं, तो वॉट इज दैट एक्सपायरी डेट. एक्सपायर, एक्सपायर मीन्स ख़त्म हो जाना, ठीक है. जब कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है या कुछ भी चीज़ है ख़त्म हो जाती है तो उसे कहते हैं डेट इट गेट एक्सपायर्ड. ये तो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया. तो डैट डेट जिस पे कोई प्रोडक्ट गेट ओवर डैमेज्ड और अनसेफ टू ईट, अनसेफ टू कंज्यूम, डैट डेट इज़ नोन एज द एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं देन डैट इज़ नॉट सेफ, वो सेफ नहीं होता, ठीक है. एंड द अनदर डेट इज मैन्युफैक्चरिंग डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट इज दैट डेट ऑन विच द प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड. जब वो पैक हुआ हो या वो बना हो उस डेट को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट. जो भी प्रोडक्ट मार्केट से आप लाते हैं, पैकेट हो या बॉक्स में हो या कंटेनर में हो, उसमें ये दोनों डेट्स ज़रूर मेंशन होती हैं, ठीक है. जो ओपन प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक आप ओपन राइस ले आए हैं या ओपन पल्सेस लाए हैं, उनमें तो आपको नहीं मिल सकती. बट जो पैकेट्स में आएगा, जो भी पैक्ड फॉर्म में आएगा, उसमें ये दोनों डेट्स ज़रूर मिलेंगी. एक्सपायरी डेट की शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है हमारा EXP, ठीक है. और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखता है MFG.
So these two dates must be printed on every product. Manufacturing date से पता चलता है कि वो product कब form हुआ. Expiry date से पता चलता है कि वो product कब तक safe है to have or to consume. Okay? तो जैसे आपकी book में भी जो questions दिए हुए हैं page number 48 पे, उन्हें आपको attempt करना है. उसमें expiry date लिखी होगी. Like देखो अभी. Yes. तो उसके बाद आपको क्या करना है आज का task, जो आपको 5 प्रोडक्ट्स चूज करने हैं फ्रॉम योर हाउस. ठीक है, कोई भी 5 प्रोडक्ट्स. इट कैन बी अ शैम्पू, इट कैन बी अ सोप, इट कैन बी पैकेट ऑफ राइस और अ पैकेट ऑफ पर्ल्स, कुछ भी हो सकता है. कोई भी 5 प्रोडक्ट्स आपको चूज करने हैं, उनमें आपको उसका नेम लिखना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे. उसके बाद यू हैव टू राइट द मैन्युफैक्चरिंग डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी है. देन यू हैव टू राइट द एक्सपायरी डेट. अब एक्सपायरी डेट कैन बी ऑफ टू वेज, कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज सिंपली डेट लिखी हो. लाइक मैन्युफैक्चरिंग अगर है 27/2020 की, और उसकी एक्सपायरी डेट वो हो सकता है लिख दें 20 July 2022. ये तो हो गया एक टाइप की, अगर इस टाइप में मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट लिखी हो. सेकेंड टाइप होता है जिसमें लिखते हैं बेस्ट बिफोर डैश, बेस्ट बिफोर 180 डेज, और बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, और बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स. इट कैन बी एनी वे, या तो प्रॉपर डेट में लिखा होगा या आपको ड्यूरेशन में लिखा होगा कि बेस्ट बिफोर हाउ मेनी डेज, बेस्ट बिफोर डैश मंथ्स, बेस्ट बिफोर डैश ईयर्स. ठीक है, तो जिस भी वे में लिखा होगा आपको उसी वे में लिख देना है. एंड इफ पॉसिबल तो आप उसकी डेट कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इस वाली डेट से अगर लिख दें बेस्ट बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है, तो 2020 में हम 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, डेट विल बी 2025, एंड द मंथ एंड डेट विल बी सेम, मंथ एंड डे विल बी सेम. ओके, तो ये हो गया आपका एक टास्क. उसके बाद जो पेज नंबर 48 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ कप सिरप. ये कप सिरप है, उसकी कुछ डेट बता दी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक एक्सपायरी डेट बता दी. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को नोट करके उन्हें वर्ड्स में लिखना है, और अगर वर्ड्स में दिया होगा तो नंबर्स में लिखना है. देन यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस, लाइक इफ द एक्सपायरी डेट इज ऑफ जुलाई, देन इज इट सेफ टू कंज्यूम इट इन सेप्टेम्बर, और इज इट सेफ टू कंज्यूम इट इन मे. तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे कि अगर उसकी एक्सपायरी डेट जुलाई की है तो क्या हम उसे सेप्टेम्बर में कंज्यूम कर सकते हैं, या क्या हम उसे मे में कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. टुडे वी लर्न द कंसेप्ट ऑफ डेट, व्हाट इज द डेट, एग्जैक्टली डेट होती क्या है, एंड सेकेंड इज द एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ एनी प्रोडक्ट. ओके, आई होप आई वॉज क्लियर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे विद अ डिफरेंट कंसेप्ट, एंड प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे वी विल एंड द चैप्टर. उसके बाद फिर From Friday, we will start a new one. Or I can take a recap test also. Okay? So till then, stay home, stay safe, and all the best.